गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। पटना स्थित एम्स में उनका आज सुबह हेल्थ चेकअप किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सीएम नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद नीतीश कुमार अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंच गए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नीतीश कुमार एम्स में गए हों। बस इतनी सी बात थी कि जगह बदल गई। पिछली बार उनकी तबीयत खराब होने पर वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचे थे, वहां पर अपना रूटीन चेकअप कराया था। आज सुबह 8 बजे के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य जांच के लिए पटना एम्स पहुंचे। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही सीएम की सिक्योरिटी टीम एम्स पहुंच चुकी थी और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा की जांच की जा चुकी थी। नीतीश कुमार ने अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम से अपना चेकअप कराया। इसके बाद नीतीश कुमार को डॉक्टरों ने चेकअप के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से थोड़ी सी उनकी तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, जिसको लेकर के वो लगातार डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में रह रहे हैं। पिछली बार जब वो दिल्ली एम्स पहुंचे थे तो उनका वहां पर इलाज किया गया था, शिकायत थी घुटनों में दर्द है। इससे पहले भी 4 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी थी। नीतीश कुमार को सीजनल बुखार हुआ था, हल्का फुल्का जुकाम भी था। तबीयत खराब होने की वजह से नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक भी शामिल नहीं हो सके थे, साथ ही उनके सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर से रूटीन चेकअप के लिए नीतीश कुमार पटना के एम्स में थे। उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराया, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।